हाय गैस यहाँ पे हम लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डी का डेरिवेशन uh, करेंगे तो फर्स्ट हमको पता चलना चाहिए स्टेटमेंट क्या है तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डी बोले तो क्या पता चलना चाहिए तो इन अ रेडियो एक्टिव सैम्पल रेट ऑफ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ़ द एलिमेंट प्रेजेंट इन एट एनी इंस्टेंट क्या होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का क्या होता है वो इतने साल और इतने इयर्स के बाद उसका हाफ हो जाता है तो डीके होता रहता है कंटिन्यूसली पर सेकेंड पर मिनट तो उसका डीके होता रहता है डीके मींस स्मॉलर साइज़ अभी हम चौक को लिखते लिखते लिखते, लिखते जाएंगे तो डी के uh, वो स्मॉल साइज होता है यहाँ पे विदाउट एनी तो एक्सटर्नल फ़ोर्स हमको क्या अप्लाई नहीं करना पड़ता अपने आप ही डीके होने को चालू करता है उसको हम बोलते रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स तो उसके ऊपर हम डेरिवेशन करने वाले लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए तो स्टेटमेंट ऑलरेडी हम रीड किया है यहाँ पे एन बोले तो क्या है द नंबर ऑफ न्यूक्लिया प्रेजेंट इन द सैंपल एट एनी इंस्टेंट एंड माइनस डी एन बाई क्योंकि ये क्या है रेट ऑफ डी एट एनी इंस्टेंट तो डी बोले तो हो रहा है तो इट इज़ नेगेटिव तो ऑलरेडी ओरिजिनल मास रहता है तो उसको हम निकाल रहे हैं तो टोटल मास माइनस ए तो उसके लिए नेगेटिव साइन तो रेट बोले तो क्या ऑलरेडी न्यूक्लियर प्रेजेंट है एक सैंपल में तो खत्म हो रहा है टाइम के हिसाब से तो रेट उसके लिए डी एन बाई डी टी आया इसको डी एन बाई डी टी क्यों रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लिया प्रेजेंट इन एक में है तो टाइम चेंज होते है, होते है, वो क्या आएगा उसका रिड्यूस uh, uh, होते जाएगा तो डी के होते जाएगा इसको डी एन बाई डी तो रेट ऑफ डी के एट एन इंस्टेंट अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू द लॉ हमको पता है क्या पता है रेडियो रेट ऑफ डी के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन 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 इट एट एनी इंस्टेंट तो हमको अकॉर्डिंग टू लॉ क्या पता चलता है रेट ऑफ डी के इज डायरेक्टली प्रोपोशनल टू नंबर नंबर ऑफ न्यूक्लिया न्यूक्लिया तो रेट ऑफ डी के बोले तो ए है तो माइनस डी एन बाय डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज एन तो अभी प्रोपोर्शनलिटी को निकालने के लिए तो प्रोपोर्शनलिटी निकालना है तो अभी हम निकालते हैं तो कभी हम प्रोपोर्शनलिटी निकालते हैं ना तभी हम क्या इंट्रोड्यूस होता है प्रोपोशनैलिटी कॉन्सटेंट यहाँ पे लैमडा क्या है प्रोपोशनैलिटी कॉन्सटेंट तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा वेर लैमडा इज प्रोपोर्ट लेटी कॉन्स्टेंट और इसे ये भी बुलाते क्या के uh, डी के कॉन्स्टेंट भी बुलाते हैं जिसको लैमडा को और e भी बुलाते क्या और एक क्या है कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट ऑफ डिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी बुलाते हैं तो लैमडा को हम प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं और डी के कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं और कॉन्स्टेंट ऑफ डिस भी बोलते हैं तो इसके बाद में अभी अबो इक्वेशन क्या है वो लिख के लेंगे क्या है? वो अभी यहाँ क्या करेंगे यहाँ पे डी है ना उस तरफ यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस डी एन इजिकल्स टू लैमडा एन इंटू डी टी तो अभी मुझे माइनस को यहाँ से निकालना है तो क्या करूँगा मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस तो डी एन इक्वल टू यहाँ पे माइन प्लस इंटू माइनस माइनस लैमडा एन इंटू डी टी तो अभी क्या करूँगा डी एन यहाँ पे एन क्या हो रहा है मल्टीप्लाई तो यहाँ आएगा तो डिवाइड इजिकल्स टू माइनस लैमडा इंटू डीटी ये आया हमारा इक्वेशन अभी इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे क्या आएगा डी एन बाय एन इक्वल्स टू तो, माइनस लैमडा इंटू डी टी तो अभी इसे थोड़ा मॉडिफाई करके लिखता हूँ यहाँ पे तो हमको क्लियरली पता चले कैसा है क्या हैं माइनस कॉन्स्टेंट है माइनस uh, भी बाहर रखता हूँ और लैमडा तो डी टी है ऑलरेडी तो हमको पता है इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन ऑफ वन डीएक्स इक्वल्स टू क्या है एक्स है तो इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या है इनटू डीएक्स का लॉग एक्स है तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टाइम है तो टाइम क्या रहेगा यहाँ पे टी नॉट टू टी एट इंस्टेंट ज़ीरो टू फाइनल टाइम टी हम अप्लाई करेंगे टाइम तो यहाँ क्या है इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एन इंटू डी एन का क्या आएगा लॉग एन यहाँ पे भी क्या करेंगे एन नॉट एन क्योंकि इनिशियल कितना रहता है यहाँ पे हम क्या लिमिट सप्लाई करेंगे तो एन बाय एन तो अभी ऑलरेडी एन नॉट बोले तो ओरिजिनल कितने न्यूक्लिया है प्रेजेंट एट द बिगनिंग एट द फाइनल तो कितने टाइम तो बिगनिंग क्या बिगनिंग टाइम क्या है आफ्टरनून टाइम क्यों है यहाँ पे टी क्यों ही डाला क्योंकि डी टी है यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट क्या है टी है तो यहाँ पे एन है यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ न्यूक्लिया तो एन एन नॉट एन आया तो एन इसका लिमिट्स क्या आएगा यहाँ पे एन नॉट एन इक्वल्स टू माइनस लैमडा यहाँ पे क्या आएगा टी टी नॉट टी टी नॉट टू टी. टी, टी तो यहाँ पे क्या आ, कैसे लिखते है पे? इनी, आ, है हैं यहाँ इन फाइनल माइनस इनिशियल अप्लाई करते हैं हम तो क्या आएगा यहाँ पे लॉग एन माइनस लॉग एन नोट इजिक्वल्स टू माइनस लैमडा टी माइनस टी नाट यहाँ पे ऑलरेडी हमको लोगेरिदम प्रॉपर्टी पता है व्हेन टू लोगे लॉग्स सब्सट्रैक्ट हो रहे तो हम कैसे लिख सकते हैं उन्हें लॉग एन बाय एन नाट इज इक्वल्स टू माइनस लैमडा यहाँ पे क्या आएगा टी माइनस ज़ीरो टी नॉट यहाँ पे टी नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो क्योंकि टी नॉट इज क्या है इनिशियल टाइम इनिशियल टाइम हम क्या लेते हैं ज़ीरो लेते हैं तो इनिशियल टाइम इज़ ज़ीरो बिकॉज करके लिखो इनिशियल टाइम इज ज़ीरो अभी ये हम क्या करेंगे क्या आता है अभी लॉग एन बाय एन नाट इज इक्वल्स टू माइनस लैमडा इंटू टी आएगा ये ज़ीरो होगा तो टी आएगा अभी मुझे लॉग यहाँ से निकालना है तो यह क्या होगा लोगैरिदम को इस इस साइड ट्रांसफ़र किए तो क्या होता है एन बाय एन नॉट इजिक्वल्स टू लॉग को इस तरफ का ट्रांसफर किए तो क्या होगा ई रेस्ट टू दिसम तो ई रेस्ट टू दिसम बराबर तो क्या है ए ई रेस टू माइनस लैमडा इन टी तो n इज इक्वल्स टू एन नॉट इन टू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आएगी तो मल्टीप्लीकेशन एन नॉट इन टू ई रेस्टू माइनस लैमडा इंटू टी यहाँ पे एन बोले तो क्या है नंबर ऑफ न्यूक्लिया एट एनी इंस्टेंट तो एन नॉट क्या है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लिया तो इनिशियल द बिगिनिंग कितने नंबर ऑफ न्यूक्लिया है एन नॉट और एन है क्या है नंबर ऑफ न्यूक्लियर एट एनी इंस्टेंट कभी भी चेक किए थे तभी और लैमडा क्या है प्रोपोशनैलिटी कांस्टेंट और कांस्ट डेके कांस्टेंट कॉन्सटेंट कांस्टेंट और कांस्टेंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन यहाँ पे टी क्या है टाइम है तो ये हमारा डेरिवेशन खत्म हो थैंक यू गाइज